हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरा नाम है औरको और मैं आपको पढ़ाऊंगा ये श, आप लोगों की जर्नी हम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम चालू हो रही है और आप सब मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड हो है ना तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए और हम लोग अगली अगले जो सात आठ महीने पढ़ेंगे ना वो बहुत मजेदार जर्नी होने वाला है मैथ्स बहुत अलग सब्जेक्ट है ठीक है मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाले मतलब थोड़ा सा लगता है है कि हाँ, याद बहुत करना होता फिजिक्स में भी याद बहुत करना होता है और उसके साथ फॉर्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशन है मैथ्स में लोगों को लगता है कि है नंबर है बहुत सारे अलग अलग चीजें है, है ना तो मतलब उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअल में उतना कुछ नहीं है दो चीज बता रहे एक लॉजिक और एक विजुअलाइजेशन अगर आप लॉजिक सही लगाते हो और विजुअलाइजेशन चीजों को सही कर पाते हो सही तरीके से कर पाते हो, तो चीजें ना बहुत बहुत मस्त काम करता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और कहानी बहुत सिंपल रहता है ठीक है चलो फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में सबका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है ठीक है बट हम लोगों का अगले सात आठ महीने का जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें सब कुछ हमें सीखना भी है और बहुत

अगर अगले आठ महीने में, में मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा सब कुछ आपने सुन लिया लिख लिया पक्का गारंटी दे रहा हूं 85 फाइव टू नाइनटी परसेंट क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा ठीक है कहीं नहीं जाता है 85 फाइव टू नाइनटी परसेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा अब उसमें से कितना आप रिटर्न कर लोगे यह आप पे है ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना है एक तो रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाने हैं ठीक है सबसे पहली बात नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम से पहले अचानक से हम लोग भूल जाएंगे कि यह चीज मैंने कहीं पे पढ़ा था कहां से रिवाइज करें नोट्स देख लो वैसे तो हम लोग सारे वीडियोस अपलोड करेंगे ठीक है आपके पास ये जो कुछ भी लेक्चर होगा सारे लेक्चर क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद लोड हो जाएगा ठीक है आधा घंटे से पैतालीस मिनट मान लो लग सकता है सर्वर के टाइमिंग के ऊपर है जितना जल्दी ये हो जाएगा मतलब आपको मिल ही जाएगा ठीक है डीपीपी मिलेगा

तो आपको याद होगा थोड़ा सा पेन छुआ कॉपी में अपने आप हाथ चलने लगेगा और वो चीज आपसे सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है तो एक चीज कमेंट पे फोकस कम करो फोन मोबाइल लैपटॉप जिससे भी आप देख रहे हो ठीक है हाथ थोड़ा साइड कर लो कॉपी में हाथ लाओ और लिखो ठीक है अभी नहीं अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेते हैं उसके बाद लिखने का प्रोसेस चालू होगा सब्जेक्ट पे हम लोग आएंगे है ना और बीच बीच में हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे अमन भैया तो आते ही रहेंगे वो बोलेंगे आपको मोटिवेट करेंगे ही करेंगे आ, बहुत बढ़िया आयुष प्रत्यय अंश जे, जेधन अः प्रथमेश अंश बहुत बढ़िया चलो दूसरी बात एक ये है कभी भी आप ना मतलब मेंटली डाउन नहीं होना है ठीक है हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अभी सात आठ महीने में प्रिपरेशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है यार हम लोगों को बहुत अच्छा कुछ मिलना है है ठीक हम लोग अगर जेई में रैंक लाते हैं तो तो मतलब उसके बेसिस पे हम लोगों को कॉलेज मिला तो चलो एक ड्रीम अपना कंप्लीट हो गया है ना तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत बहुत करनी है और जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ना बीच बीच में फ्रस्ट्रेट भी होता है फ्रस्ट्रेशन सबको आता है मुझे भी बहुत आता था मुझे लगता था यार मैं मतलब बहुत मतलब मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से

आप अगले सात आठ महीने और मेहनत करनी है है ना वो मेहनत करेंगे तो मार्क्स तो आएगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं वो सारे सब्जेक्ट में हम भूल गए हैं ठीक है वीडियोस देखो अपने आप पे भरोसा रखो क्वेश्चंस करो ठीक है और कभी अपने आप को डाउट मत करो ठीक है आपको एक कहानी बताओ बहुत मतलब सुनी हुई कहानी होगी आप लोगों के आ, पता नहीं आ, ये कहानी 1989 की है सियालकोट की है ठीक है पाकिस्तान में है ये शहर तो वहां पे इंडिया का मैच चल रहा था तो इंडिया के मैच फिफ्थ डे का मैच चल रहा है उसमें इंडिया के हालत बहुत खराब फोर्थ इनिंग्स में चल रहा है तो उसमें क्या है कि मतलब बहुत स्पीड से गेम डाल रहा है उस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब बहुत खतरनाक था इमरान खान था वासिम अकरम था वकड यूनिस था ये तीनों तो मतलब खतरनाक बोलर्स है आप लोग जानते हो है ना तो इंडिया के चार विकेट डाउन हो गए उसके बाद एक बच्चा आया खेलने बच्चे का नाम आप गेस कर सकते हो है ना तो ऑपोजिट एंड में नवजोत नब सिंह सिद्धू था मैंने ये कहानी नवजोत सिंह सिद्धू के वीडियो से ही सुनी है फर्स्ट टाइम उसके बाद और जगह पे पढ़े भी तो फर्स्ट बॉल आया बच्चे के बैट के साइड से तेजी से निकल गया सेकेंड बॉल आया फिर से तेजी से निकल गया थर्ड बॉल आया तो उसने लगा कि मतलब सामने बाउंसर टाइप आ रहा है वो पुल करने की कोशिश किया तो बॉल पुल तो कनेक्ट हुआ नहीं नाक फट गया ठीक है मतलब पूरा खून 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 मतलब हर तरह से मतलब शर्ट पे खून पीछ पे खून तो उधर से स्ट्रेचर लेके लोग आ गए उसे लेके जाने के लिए बच्चा सोलह साल का बच्चा सचिन तेंदुलकर पीछ से हटे नहीं बोले मैं खेलेगा ठीक है आप में ये एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी टाइम पे कितना भी आपके सामने डिफिकल्टी हो कितना भी लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए मैं खेलेगा ठीक है अगर उस टाइम वो पीछ छोड़ के भाग सकता था ठीक है कोई कुछ नहीं कहता सभी रहे थे तो पूरे अगले आठ नौ महीने खेलना है और उसके बाद जेई मेन्स में जेई एडवांस में भी खेलना है मचा देना है ठीक है तो इसी बात से हम लोग शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ठीक है मैथ्स लगता है कई बार कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे सब कुछ आराम आराम से सीखेंगे जहां पे डाउट होगा तब पूछो कमेंट करके तब पूछो बट अदरवाइज नोट्स बनाओ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मैं ये नोट्स की कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे करेंगे ना क्लास में सारा कुछ आपसे शेयर होगा सारे वीडियोस आपके साथ शेयर रहेगा बट तब भी तब भी आप अगर खुद से लिख के नहीं कर रहे हो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है हम लोगों के हाथ से लिखने की आदत होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में आप पिछले दो साल से देख रहे हो है ना कोविड ने ये सारा कुछ मजा खत्म कर दिया खिर कर दिया तो ये वाले मोड के अलावा आपके साथ हम लोग और भी चीजें सोच रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा बट ये वाले मोड के अलावा हम लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है हाथ से लिखते हैं ठीक है करते हैं ठीक है बढ़िया डीपीपी बिल्कुल डीपीपी मिलेगा सारे क्लास में मतलब जैसे कि आज का क्लास खत्म होगा ना तीन बजे क्लास खत्म होना है खत्म होने के बाद तुरंत आपको डीपीपी मिल जाएगा ऐप में उसके डीपीपी में क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के जैसे कि आज के डीपीपी में मुझे ही पता है कि पंद्रह क्वेश्चन है ठीक है और उसके साथ उसके आंसर कीज भी है आंसर पहले नहीं देखना है ठीक है अपने आप से प्रोमिस कर लो आंसर मैं नहीं देखूंगा पहले क्योंकि आंसर देखने के बाद मैथ्स कई बार बैक कैलकुलेशन से आ जाता है आप पहले खुद से करो ठीक है आंसर मैच करो सॉल्यूशन देखो उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बना तो और कभी भी अगर आप आप अगर सॉल्यूशन देख के सीखे ना कोई भी क्वेश्चन में अगर आप सॉल्यूशन देख के सीखते हो कि ये चीज मुझे पता नहीं नहीं था था या तो बन रहा सॉल्यूशन देख लिया मैंने दो काम पहला उसी बात टाइम जब आपने सॉल्यूशन देखा लिख के देखो फिर आधे घंटे बाद क्वेश्चन को फिर से लिख के देखो ठीक है इसमें खत्म नहीं होता है दो दिन बाद फिर से लिख के देखो यार ठीक है पता है थोड़ा सा टैक्सिंग है लगता है कि यार इतने बार एक ही चीज कर, करके देखेगा भाई मान लो मेरी बात मैं मतलब मैथ ऐसे सीखा था कि मतलब ठीक है प्रैक्टिस करे अगर मतलब मुझसे नहीं बना तो यार वो चीज किसी ने सोचा है कैसे बन गया उससे बना उसने भी तो सीखा है ना मेथड सीखे हैं वो सारे मेथड मुझे भी आना चाहिए नहीं आएगा तो मैं जेई मेंस के लिए मतलब पीछे रह जाऊंगा थोड़ा सा ऐसा भी मुझे लगता था तो ठीक है सब कुछ मिला के प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए करो अच्छा रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है चलो शुरू करते हैं अब बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हम लोग आज क्या क्या चीज सीखेंगे ठीक है बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हम लोग किधर आएंगे डीपीपी ऐप में आएगा ठीक है, ठीक है? चलो आज डे वन है डे वन में हम लोग ये 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 चीजों पे फोकस करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरवल सेकंड टाइप्स ऑफ इंटरवल थर्ड लिनियन इनिक्वेलिटीज थोड़ा सा गैप देकर रखा है वे भी कम मेथड पहले हम लोग इन तीनों चीज पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे ठीक है इंटरवल्स बहुत जरूरी चीज है बहुत 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 जरूरी चीज है क्योंकि इंटरवल्स में हम लोग क्या करते हैं कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो फंक्शन के डोमेन देखो फंक्शन के रेंज देखो फंक्शन के कोई भी और डिफरेंट चीजें कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है कहाँ पे ये कर्व ऊपर जाता है कौन से पॉइंट पे जाके किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस होता है ये सारा कुछ का आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं इंटरवल्स में लिखते हैं है ना तो वो इंटरवल्स वाला कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से बता होना चाहिए ठीक है इंटरवल्स एक बार आ जाए तो हम लोगों को चीजों के रिजल्ट लिखना आ जाएगा ठीक है तो वो रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है और एग्जाम में भी अगर आप देखोगे ऑप्शंस में बहुत सारे 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 इंटरवल्स होता है ठीक है आई नो आप में से बहुत लोगों को बिल्कुल पता है बहुत अच्छे से पता है ठीक है बट कुछ को पता नहीं भी है ऐसा भी हो सकता है तो हम लोग एकदम सब कुछ बेसिक से सीखेंगे कभी ऐसा नहीं जल्दी में बिल्कुल काम नहीं लेंगे ठीक है जल्दी का काम शैतान का ठीक है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जल्दी में नहीं करेंगे आराम आराम से करेंगे ठीक है हो जाएगा सारा कुछ हो जाएगा जहां पे भी हम लोगों को लगेगा हम लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं खींच लेंगे आप सब साथ में रहोगे बिल्कुल आराम से कर लेंगे ठीक है फिर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स टाइप्स ऑफ इंटरवल्स मतलब ओपन इंटरवल इंटरवल ये क्या बच्चों वाली चीज है है मतलब जरूरी है तो हम लोग सीख लेते हैं कहीं पे हम लोगों का किसी का भी बहुत भी कंफ्यूजन रहेगा तुरंत पूछ लेना बात कर लेंगे खत्म करेंगे उस चीज को ठीक है फिर लिनियर इनइलिटीज बोलोगे लीनियर यार इनक्वेलिटीज लिनियर इनिक्वेलिटीज भी उसके दो तीन कंसेप्ट ऐसे है जो कि हम लोगों के बहुत बहुत जगह पे काम आता है

तो रियल नंबर्स के सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ऑल रियल नंबर्स के सेट को आर से डिनोट करते हैं इसमें दो चीज और अगर हम लोग आर प्लस लिखते हैं तो आर प्लस में क्या होता है आर प्लस का मतलब यह रहता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है ना तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स यह होता है आर प्लस और आर माइनस से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ठीक है अगर नेगेटिव रियल नंबर देखना है तो कैसे डिनोट करेंगे आर माइनस अपने आप से बोलते जाओ लिखते भी जाओ ठीक है बोलना भी जरूरी है कई बार हम लोगों को ना अगर बोलते हैं कई बार उस चीज को रिपीट करते हैं अपने आप से तो ऑटोमेटिकली वो चीज याद हो जाता है ठीक है चलो मेरे साथ साथ बोलना और लिखना ठीक है क्या होता है सेट ऑफ किस चीज से डिनोट करते हैं क्यू से कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको याद होगा वो सारे नंबर जिसको हम लोग ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स बोलते हैं ठीक नेक्स्ट इंटीजर्स इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही हो इंटीजर्स क्या होता है इंटीजर्स मतलब होता है ऑफ कोर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और जीरो वन टू थ्री ये सबको लेके हम लोग इंटीजर्स को के सेट को डिनोट करते हैं ठीक है ठीके? अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसे हम लोग आई प्लस से डिनोट करेंगे ये क्या होंगे ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स जो है नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करेंगे किसके आई से ठीक है नेगेटिव इंटीजर्स को आई से डिनोट करेंगे और नेचुरल नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स क्लियर ठीक है तो चार पर्टिकुलर से किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर है? को, को, है? चलो आगे बढ़ते हैं ये तो हम लोगों को जाना ये तो हम लोग सब जानते थे ठीक है चलो कुछ सिंबल्स जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे फर्स्टली ये वाला सिंबल उल्टा ए जो होता है दिस स्टैंड ऑल ठीक है जहां पे भी ये उल्टा ए आ जाएगा ना इसका मतलब होगा फॉर ऑल फटाफट नोट कर लो ये चीज हम लोगों को कई बार काम आने वाला है ठीक है ये जो उल्टा ई है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट है ना और ये जो छोटा सा एफ जैसा ई दिख रहा है ये अलग तरीके का ई है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ठीक है तीन पर्टिकुलर सिंबल फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट्स belongs to इसमें से belongs to सबसे ज्यादा यूज होता है कहीं पे भी हमें मुझे बताना है x belongs to रियल नंबर्स तो हम लोग उसे कैसे लिख देते हैं उसे लिख देते हैं ऐसे x belongs to r है ना अगर मुझे बताना है x कोई इंटीजर है तो मैं क्या लिखूंगा x कोई इंटीजर है तो मैं लिखूंगा x belongs to i और x belongs to z इसका मतलब क्या है एक सीजन इंटीजर है ना और There exists वाला सिंबल कोर्स आज ही क्लास में आ जाएगा फॉर ऑल भी कई बार यूज हो जाएगा ठीक है तो ये तीन सिंबल पर्टिकुलरली हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे फॉर ऑल बिलोंग्स टू से, से रिप्रेजेंट करते हैं है चलो अब आते हैं इंटरवल के डेफिनेशन में इंटरवल क्या होता है एन इंटरवल इज नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स आपको कोई दो नंबर लिखा हुआ है ठीक है कोई दो नंबर के बीच में सारे नंबर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है ठीक है मुझे बताना है कि कोई एक नंबर ऐसा है कि एक्स इज ए वैल्यू एक्स इज ए वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री ठीक है अगर मुझे यह बताना है एक्स इज ए वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री ठीक है वैल्यू बिटवीन मैं कैसे लिखूंगा तो दो चीज मेरे मन में आ सकता है कि भाई एक वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री ठीक है ना? X. ये से आप हो, ना? X. X तो एक वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री ऐसा हुआ ठीक है कोई ऐसे सोच सकता है कि यार ये वाला क्यों बता रहे यहां पे इक्वेलिटी भी हो सकता है है ना एक चीज वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ठीक है कोई बोल सकता है कि अच्छा नहीं एक चीज वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री ये भी एक हो सकता है और ये भी एक हो सकता है है ना ये चार अलग अलग पॉसिबिलिटी बन सकता है चार अलग अलग पॉसिबिलिटी कैसा एक तो एक चीज वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री जहां पे एक्स की वैल्यू टू और थ्री से इक्वल नहीं हो सकती है ठीक है और यहाँ पे एक चीज वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री जहां पे एक्स कैन बी इक्वल टू टू एंड थ्री यहाँ पे एक चीज वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री पे 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 x x से 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 नहीं नहीं हो 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 सकता 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 है, और equal भी हो सकता है। है, है है। है, है, है? और 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 जो भी इधर ठीक तो ये equality के बेसिस पे चार अलग अलग चीजों के डिपेंड आ जाता है तो इसलिए हम लोग एक टाइप के नहीं चार अलग अलग टाइप के इंटरवल डिस्कस करते हैं ठीक है कैसा अलग अलग टाइप के इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं देखो चार का नाम ले लेते हैं एक एक करके सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल ठीक है ओपन इंटरवल क्या होता है देखो यह वाला जैसे कि मैंने लिखा है एक लाइज बिटवीन ए एंड बी है ना एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है ए से लेके बी के बीच में तो मतलब एक्स कहां पे होगा ये ए और बी के बीच में कहीं पे भी एक्स हो सकता है यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है ठीक है x कैन बी एनीवेयर बिटवीन a एंड b x की वैल्यू कैसी है a से लेके b के बीच में ये आपका रेगुलर नंबर लाइन है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो a और b में दो गोला बनाया और ये दोनों गोला देखो खाली है ठीक है ब्लैंक गोला है ये ब्लैंक सर्कल है ठीक है a और b में अगर ब्लैंक सर्कल है तो ये आपका ओपन इंटरवल का सिंबल है जहां पे हम लोग कैसे ब्लैंक सर्कल से छोड़ते हैं ब्लैंक सर्कल का मतलब हमें ऑटोमेटिकली क्या समझ में आता है कि ए और बी को मैंने साथ नहीं लिया ठीक है अगर ए और बी को साथ नहीं लिया तो उसमें ऐसे खाली ब्लैंक गोला छोड़ेंगे और अगर ए और बी को साथ लेना है एक्स की वैल्यू जैसे कि देखो सेकंड वाला केस उसे क्या बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल में देखो एक्स की वैल्यू कैन बी इक्वल टू ए और कैन बी इक्वल टू बी दोनों हो सकता है ठीक है एक्स की वैल्यू ए से भी इक्वल हो सकता है बी से भी इक्वल हो सकता है तो ये वाले केस में हम लोग किसे यूज़ करते हैं? क्लोज्ड इंटरवल तो क्लोज तो इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या समझ में आया भाई क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही हम लोग आगे के कंसेप्ट में जाएंगे क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या है भाई देखो ओपन में एक्स की वैल्यू ए और बी से इक्वल नहीं हो सकती है क्लोज्ड में एक्स की वैल्यू ए और बी से इक्वल हो सकती है ठीक है तो अगर इक्वल नहीं हो सकती है देखो हम लोग ऐसा एक ब्रैकेट यूज करेंगे जिसे आप सिंपल ब्रैकेट बोल सकते हो

गोला भर दूंगा है ना फील्ड सर्कल यूज करूंगा अगर मैं ए और बी से इक्वल नहीं हो सकता है वाला केस कंसीडर करूं वहां पे मैं गोले को खाली छोड़ दूंगा ठीक है यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट यूज होगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा अब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग और दो इंटरवल लाते हैं एक है ओपन क्लोज इंटरवल एक है क्लोज ओपन इंटरवल उसकी कहानी देख लेते हैं ओपन क्लोज देखो नाम सुनकर समझ में आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला ओपन है राइट right साइड वाला क्लोज है है ना लेफ्ट साइड वाला ओपन है राइट right साइड वाला क्लोज है राइट साइड वाला ओपन जो है ओपन को देखो मैंने खाली छोड़ दिया राइट right साइड वाला क्लोज है उसे देखो मैंने गोला भर दिया है ना ये वाली चीज हम लोग देखो आज फर्स्ट लेक्चर है आराम आराम से सीख लो ये सारे चीज बहुत जरूरी है अगर कहीं पे कोई बेसिक चीज आपका छूट गया ना आगे जाके प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम लोग जो चीज हमें आता है वो सारा चीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले कोई दिक्कत नहीं ये टाइम कहीं पे नहीं जा रहा है ठीक है देखो a लेसर देन एक्स लेसर इक्वल टू बी इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए पे खाली है इसलिए उसको देखो सिंपल ब्रैकेट यूज करें b पे इक्वलिटी का साइन है तो उसके लिए देखो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें तो जहां पे जिसको खाली छोड़ना है वहां पे क्या करना है वहां पे उसे ऐसे सिंपल ब्रैकेट यूज करना है जिसको इंक्लूड करना है वहां पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे अगर उसके बाद क्लोज ओपन इंटरवल की बात करें में क्या है? हो सकती। हो सकती है, तो गोला भर दिया और बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू हमने नहीं इंक्लूड करना है इसलिए गोला खाली छोड़ दिया नोट कर रहे हो भाई जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट है ना ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट लिखते टाइम ये सारा कुछ काम आने वाला है अब देखो मान लो

ठीक है 2 पे इक्वालिटी है चलो गोला भर देते हैं 2 से ज्यादा कहां तक नंबर लाइन खत्म कहां पे होगा नंबर लाइन खत्म कहां पे होगा पता नहीं नंबर लाइन तो चलते ही जाता है तो कहां पे खत्म होता है हम लोग मान लेते हैं एक्सट्रीम राइट में क्या बैठा है इंफिनिटी बैठा है तो 2 से ज्यादा कहां तक इंफिनिटी तक तो हम लोग क्या लिखेंगे टू लेसर इक्वल टू एक्स लेसर देन इंफिनिटी तो यहीं से एक चीज समझने की कोशिश करो जब भी आंसर मेरे को इंटरवल में लिखना है हमें जो वेरिएबल के लिए बताना है कि इसकी वैल्यू ये दोनों क्वांटिटी के बीच में है उनके दो बाउंडरीज चाहिए एक तो जिससे वो ज्यादा है और एक जिससे वो कम है ठीक है तो दोनों अपर कैप लोअर कैप दोनों चाहिए टू से हमेशा ज्यादा है ये एक्स का हो गया लोअर लिमिट इन्फिनिटी से हमेशा वो कम है ये इन्फिनिटी बन गया है उसका अपर लिमिट तो ऐसे भी जब भी हम लोग कर रहे हैं तो हमें एक लोअर लिमिट चाहिए ये वाला चीज क्या है दिस इज लोअर लिमिट एंड ये वाला चीज क्या है दिस इज द अपर लिमिट कभी भी कोई भी इंटरवल को अगर हम लोग देखें तो वो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक डिफाइंड होता है ठीक है कभी ऐसा इंटरवल आप नहीं लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू अगर आप लिखोगे ना फाइव से वन ये वाला चीज गलत होगा क्यों गलत होगा भाई फाइव से वन अगर आप लिखोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है आपका ये नहीं हो सकता है कि आपका लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट से बड़ी हो ठीक छोटे होंगे हो तो उसमें एक लोअर लिमिट होना चाहिए एक अपर लिमिट होना चाहिए अपर तो लिमिट ये सारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बट तब भी गलती करते हैं लोग मैंने बहुत सारा देखा है तो इसलिए आपको बता रहा है बता रहा हूं कि पहले से इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो ये वाली गलती हम लोगों से कभी नहीं होना चाहिए ठीक है? ऐसा इंटरवल हमें कभी नहीं लिखना आप देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बाद इंफिनिटी में देखो जब भी आंसर में आपका इंफिनिटी आ जाएगा उस टाइम क्या करना है इंफिनिटी को कभी भी साथ नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है देखो एक्स क्या है एक्स इज ए वेरिएबल आप बोल रहे हो कि इन्फिनिटी से ये इक्वल है क्या आप इन्फिनिटी को जानते हो नहीं इन्फिनिटी का बेसिक आइडिया अगर हम लोग सोचे ना तो इन्फिनिटी मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इट्स अ वैल्यू विच इज सो लार्ज इतना बड़ी वैल्यू है जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इट इज ग्रेटर देन आवर इमेजिनेशन ठीक है तो हम लोग इन्फिनिटी को कभी भी मेरे आंसर में इंक्लूड

क्लोज ओपन में एक को इंक्लूड किया बी को इंक्लूड नहीं किया ठीक है ये सारा कुछ समझ में आ गया इन्फिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी नोट ये चीज हम लोग याद रखेंगे इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी हम लोगों का हमेशा कैसा रहेगा हमेशा ओपन इंटरवल में जाएगा इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कभी भी आए ओपन इंटरवल में आएगा ठीक है तो ये चीज हम लोगों को याद रहना चाहिए चलो इंटरवल समझ में आ गया ना अब थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज में जाते हैं ठीक है कहीं पे कोई डाउट नहीं है ठीक है चलो अब आते हैं की बात करते हैं तो ये दो बेसिक रूल है जो कि हमें याद रखना है अब बहुत सिंपल है ठीक है इसमें क्या है देखो मैंने एक कंडीशन पकड़ा ए लेसर देन बी मतलब क्या है ए की वैल्यू बी से छोटी है ठीक है ए की वैल्यू बी से छोटी है अब ऐसा मान लो दो बंदे हैं दोनों में से दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पैसे है

कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है अगर आप दोनों से पांच पांच रुपए ले लेते हो ठीक है, के पास है तब भी भी कोई क्वांटिटी ऐड करते हो या दोनों से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी के साइन में कभी कोई चेंज नहीं आता है सिंपल एग्जांपल देखो मान लो मेरे पास ऐसा कुछ ले लेते हैं टू एक्स प्लस फिफ्टीन लेसर इक्वल टू एक्स प्लस फाइव ठीक है हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले दोनों से पांच पांच रुपए ले लो टू एक्स प्लस टेन लेसर इक्वल टू एक्स कैसे लिखा दोनों साइड से फाइव सब कर दिया अब मैं क्या लिख सकता हूं अब मैं दोनों साइड एक सब कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एक्स प्लस टेन इज लेसर इक्वल टू जीरो है ना अब दोनों से 10 सबट्रैक्ट कर दो x इज लेस इक्वल टू -10 ठीक है तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं दोनों साइड से पहले 5 सबट्रैक्ट किया ये मिला फिर दोनों साइड से 1 सबट्रैक्ट किया ये मिला फिर दोनों साइड से 10 सबट्रैक्ट कर दिया 10 सबट्रैक्ट किया तो इधर रहा x 0 10 कितना बन गया minus -10 बन गया ठीक है तो ये जो फाइनली रिजल्ट आया ये आपका x के लिए रिजल्ट है ठीक है किसी ने इससे पहले पूछा था इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर इन्फिनिटी क्या ना अलग 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 कंसेप्ट कर सकते हैं आप ऐसे समझ लो जब तक हम लोग रियल नंबर हैं उसमें जो इन्फिनिटी है उसका कंसेप्ट यह है कि इट्स द लार्जेस्ट पॉसिबल रियल नंबर जो कि हम लोग एग्जैक्टली इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना लार्ज है क्यों क्योंकि आप मान लो कि आपने एक बहुत बड़ी नंबर

धीरे 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 करके हम लोग और जगह पे जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे उसमें भी इन्फिनिटी है जैसे कि हम लोग कैलकुलस में जाएंगे उसमें अलग अलग टाइप के इन्फिनिटीज भी मिलेंगे हम लोग सारे टाइप के एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो पहला वाला रूल समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप इनइक्वालिटी में कुछ ऐड करते हो बोथ साइड से या तो इनइक्वालिटी के बोथ साइड से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर इनइक्वालिटी के साइन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा बट ये एडिशन और के लिए सही है। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए सही नहीं भी हो सकता है कैसे अब वही वाला सीन लेते हैं इसके पास दस है इसके पास बीस है, है ठीक है दोनों के पैसे टू टू टाइम्स कर दिए ठीक है दोनों के पैसे अगर टू टू टाइम्स कर दिए तो दिस इंटू टू इधर इधर तो मिला 20, तो मिला 40. अभी अभी ज्यादा ज्यादा कौन है अभी भी भी है भी बी तो आप बोलोगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो एक चीज यह सही है कि अगर आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो सी ग्रेटर देन जीरो अगर है अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं है इन में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई जब तक आप कर रहे हो में बिल्कुल कोई चेंज चेंज नहीं आएगा कब आएगा कब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे अगर आप दोनों को ऐसा कर दो कि अगर एक के पास टेन है एक के पास ट्वेंटी है दोनों को ना मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस थ्री से इधर कितना आएगा माइनस थर्टी इधर कितना आएगा माइनस सिक्सटी ज्यादा कौन है

साइन पलटेगा अगर आप कोई भी इनक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा इन का साइन चेंज होता है तो क्या हुआ एड करने से साइन चेंज नहीं होता है सब करने पे साइन चेंज नहीं होता है मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो सकता है कब होगा जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे अगर आपने बारे में बताओ तो माइनस टू एक्स क्या होगा विल बी लेसर इक्वल टू माइनस टेन क्यों मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो इन का साइन उल्टा हुआ है ना तो सिंपल सा आइडिया ये दिमाग में फिट कर लो अगर आप ऐड करते हो साइन में कोई चेंज नहीं सब चेंज नहीं मल्टीप्लाई करते हो साइन में चेंज हो, होगा कब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो है ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनिटी का साइन चेंज होगा क्या ये चीज डिविशन के लिए भी वैलिड है हा भाई वैलिड है अगर आपके पास ये है एक के पास दस है दूसरे के पास बीस है आपने क्या किया दोनों को डिवाइड कर दिया मान लो कि -2 से डिवाइड कर दिया ठीक है 10 डिवाइडेड बाय -2 20 डिवाइडेड बाय -2 क्या हुआ इधर मिला -5 इधर मिला -10 क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ 3 वाज लेसर देन 20 minus -5 इज ग्रेटर देन -10 तो ऑब्वियसली देखो फिर से इनइक्वलिटी के साइन में चेंज हुआ तो अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होगा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो ठीक है मल्टीप्लाई या डिवाइड करो पॉजिटिव से साइन चेंज नहीं होगा और वो तो नो चेंज अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करो तो साइन चेंज जरूर होगा ठीक है तो एडिशन में चेंज नहीं चेंज कब होता है इनइक्वालिटी का साइन अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करें समझ में आया नहीं आया क्लियर है ना पक्का भाई सारा चीज आएगा कैलकुलस भी आएगा कैलकुलस धीरे धीरे आ जाएगा डोंट वरी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में कोई चेंज नहीं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पलटेगा हमेशा पलटेगा चलो चलो अब आ जाते हैं दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंपल है बहुत सिंपल है है ना पहला वाला 3x plus 5 greater equals to 4x plus 9. मेरे साथ फटाफट -फड़ सॉल्व करो क्या करेंगे देखो एडिशन में तो कोई टेंशन है ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं दोनों तरफ से फोर एक्स कर रहा हूं थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इधर क्या बनेगा इधर फोर एक्स माइनस फोर फोर एक्स ये वाला चीज है ठीक है अब प्लस फाइव था इधर इधर था प्लस नाइन चलो इसको चेंज नहीं करे तो पहले तो मैंने बोथ साइड से फोर एक्स सब्ट्रैक्ट किया इधर कितना आया माइनस एक्स प्लस फाइव इधर कितना आया ग्रेटर इक्वल्स टू नाइन अब आप क्या लिख सकते हो दोनों साइड से फाइव भी सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव ग्रेटर इक्वल टू नाइन माइनस क्या मिला माइनस इज ग्रेटर इक्वल टू फोर आप देखो माइनस इज ग्रेटर इक्वल टू फोर तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स विल बी लेसर इक्वल टू माइनस है ना क्यों लेसर इक्वल्स टू माइनस फोर यहाँ से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया माइनस वन से डिवाइड किया अगर मैं माइनस वन से डिवाइड करूं नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं इन इक्वालिटी का साइन क्या होगा पलटेगा है ना कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो इन इक्वालिटी का साइन हमेशा पलट के आएगा ठीक है तो एक लेसर इक्वल्स टू तो माइनस फोर हुआ कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई इससे पहले हम लोगों ने इंटरवल सीख रखा है तो हम लोगों को आंसर कभी भी अभी से आदत डाल लो आंसर कभी भी लिखना है हमेशा आंसर कैसा जाएगा आपको इंटरवल में लिखना है ठीक है तो एक लेसर इक्वल टू माइनस फोर मतलब माइनस फोर से छोटी लाइन ले लो नंबर लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस फोर से छोटी क्वांटिटी माइनस फोर में इक्वालिटी है हाँ गोला भर दो भाई ठीक है माइनस फोर से छोटी क्वांटिटी इधर अच्छा अब लोअर लिमिट क्या बताओगे माइनस फोर से छोटी क्वांटिटी मतलब देखो माइनस फोर क्या लेफ्ट हैंड साइड में आएगा

तो वो कैसा रहेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमेशा जाएगा ओपन में बन रहा है समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं अगला करें जल्दी जल्दी देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर फिर से बता देता हूं देखो जिसको नहीं आया फिर से देख लो सिंपल आइडिया है मैंने क्या किया दोनों तरफ से देखो दोनों तरफ से फोर एक्स अब्रैक्ट किया अगले में स्टेप्स और कम कर लेंगे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ज्यादा लंबा स्टेप करके देख लिया अब तो फटाफट -फड़ सॉल्व करेंगे ठीक है देखो क्या किया दोनों तरफ से फोर एक्सट्रैक्ट किया पहले ये आया माइनस एक्स प्लस फाइव ग्रेटर इक्वल टू नाइन अब क्या किया दोनों तरफ से फाइव सब कर लिया माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू फोर अगले स्टेप में क्या किया एक्स लेसर इक्वल टू माइनस फोर साइन क्यू बदला साइन इसलिए पलटा क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था ठीक है नेक्स्ट वाला फटाफट फड़ देखो सेवन एक्स माइनस फोर एक्स मै 4x को इधर ले आया आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो 4x को इधर ट्रांसपोज किया कोई साइन चेंज नहीं होगा जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तभी साइन चेंज होगा ऐड सबट्रैक्ट पे कोई साइन चेंज नहीं है ठीक है लेसर इक्वल्स टू क्या आएगा 1 13 चलो कोई बात नहीं इधर कितना आया इसका मतलब इधर आया 3x इज लेसर इक्वल टू ट्री एक्स लेसर इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व मतलब क्या हुआ थ्री एक्स लेसर इक्वल टू माइनस ट्वेल्व हुआ -4, फिर से आ गया, है? हाँ, हाँ शुरू में शुरू शुरू में में इजी लेंगे भाई में एकदम इजी लेंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हम लोग इजी से सीख के डिफिकल्ट में जाएंगे भाई ऐसा नहीं पहले ही अगर हम लोग डिफिकल्ट लेके बैठ जाए तब तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है शुरू में डिफिकल्ट नहीं लेंगे इजी लेंगे इजी वाला चीज निपटा के डिफिकल्ट में जाएंगे ठीक है और ये वाला चीज बेसिक्स हम लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सही बताऊं मेरा एक स्टूडेंट था उसने जेई में रैंक उसका 309 आया था तो समझ लो जेई एडवांस में अगर किसी 309 का 309 रैंक आ रहा है वो बहुत गधा बच्चा तो नहीं था बिल्कुल उसने एग्जाम में ना हर बारी में इतना मतलब लोग गलती करते हैं उसने स्क्वायर रूट ऑफ फोर लिख के आया था सिक्सटीन ठीक है उसके बावजूद भी इसका तीन सौ नौ रैंक आ गया ये तो बहुत अच्छी बात थी उसकी किस्मत अच्छी थी कि बाकी क्वेश्चन से सही तरीके से किया ठीक है तो हम लोग कई बार अगर बेसिक में कहीं डाउट उसके चक्कर में अटक गया और उसके चक्कर में गलत कर आया तो उसका जैसे कि मतलब वो रैंक 250 के अंदर आराम से आ सकता था वो गलत क्वेश्चन के करने, के चक्कर में ऐसे हो जाता है एग्जाम में कभी भी आपको प्रेशर नहीं लेना है जल्दबाजी नहीं करनी है हर बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है जल्दी का काम शैतान का फिर से ठीक है तो x लेसर इक्वल टू माइनस फोर ठीक है x लेसर इक्वल टू माइनस फोर हम लोग इंटरवल में कैसे लिखते हैं माइनस से फोर ठीक है क्लियर है डाउट कहीं पे भी ठीक चलो आगे बढ़े चलो 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 अब ये वाले ये आपके लिए है फटाफट सॉल्व करें पहला वाला क्वेश्चन इसे सॉल्व करें बहुत जल्दी से हो जाएगा देखो कैसा करना है 7x minus 4x, कर रहा इधर उधर जाएगा फिफ्टी टू माइनस वन है ना क्या बनेगा इधर बनेगा थ्री एक्स सेवन एक्स माइनस फोर एक्स बन गया थ्री एक्स उधर क्या बना फिफ्टी टू माइनस वन फिफ्टी वन एक्स ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे है ना तो क्या बना x ग्रेटर देन सेवनटीन बढ़िया ठीक है x ग्रेटर देन सेवनटीन अब ये आने के बाद क्या करना है हमें इसे इंटरवल में लिखना है तो इंटरवल में कैसे लिखे इंटरवल में लिखने के लिए देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये हो गया आपका सेवनटीन यहाँ पे कहीं पे है तो 17 से ज्यादा है कि कम है x की वैल्यू 17 से ज्यादा है कौन सी साइड चूज करना है 17 का राइट साइड 17 का राइट साइड तो ये वाला रीजियन राइट right साइड में आप देखो एक्स सेवनटीन से बड़ा है इसमें इक्वेलिटी है नहीं है नहीं है तो क्या करना है गोला ओपन रखना है खाली रखना है ओपन इंटरवल है तो X के लिए लोअर लिमिट क्या चूज किया मैंने ये रहा लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या चूज किया मैंने अपर लिमिट ये रहा इन्फिनिटी तो आपका एक्स कहां, कहां के बीच में लाई करेगा आपका एक्स लाई करेगा सेवनटीन से इन्फिनिटी के बीच में तो आप एक्स के लिए क्या लिखोगे आंसर एक्स बिलोंग्स टू सेवनटीन से इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो ओपन होना ही होना है और सेवनटीन भी इक्वलिटी नहीं था तो ऑटोमेटिकली क्या करना है उसे ओपन ही रखना है जहां पे भी इक्वलिटी नहीं है उसको ओपन रखना है इक्वलिटी नहीं है तो ओपन रखना है इक्वलिटी है तो क्लोज रखना है अगला जल्दी

3x ग्रेटर देन 51 था ना मैंने क्या किया बोथ साइड 3 से डिवाइड किया है ना दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 3x से 3 से डिवाइड किया ये इधर बना x 51 by 3 क्या हो गया 51 by 3 17 बनता है है ना तो 51 by 3 वहां से 17 आ गया ठीक है तो इसलिए x ग्रेटर देन 17 क्लियर सिंपल है ना उसमें क्या है एक्स लेसर इक्वल टू सेवन है भाई X equal to 7 बहुत बढ़िया सबका सही आ रहा है बहुत बहुत बढ़िया है. है तो क्या होगा एक्स लेसर इक्वल्स टू सेवन है तो हम लोग आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू अब देखो लेसर इक्वल टू सेवन मतलब सेवन से छोटी क्वान्टिटी से छोटी क्वान्टिटी मतलब किधर सेवन के लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड है ना लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा माइनस इनफिनिटी से सेवन लोअर लिमिट क्या है माइनस इनफिनिटी अपर लिमिट क्या है सेवन सेवन में इक्वलिटी है गोला भर दो है ना ओपन इंटरवल नहीं है उधर क्लोज इंटरवल है तो माइनस इनफिनिटी से सेवन पूरा आएगा तो माइनस इनफिनिटी तो ओपन में ही जाना है सेवन क्लोज जाएगा है ना क्लियर बहुत सिंपल अब भाई थर्ड वाला थर्ड वाले में प्रॉब्लम आती है थर्ड वाले में लोगों को दिक्कत आती है थर्ड वाला जो है 4x plus 13 by 2x plus 27 lesser equals to 1 इसमें क्या गड़बड़ आएगी अब देखो लोग ना क्या करते हैं ये वाली चीज में अब से मजा चालू होगा अब तक तो हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों में खेल रहे थे ठीक है अब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं मॉडरेट चीजें जिस पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा वो वाली चीजें आ रहा है इस पे जो अच्छे से ध्यान से ध्यान देखो देखो 4X plus 13 by 2X plus 27. बच्चे क्या गलती करते हैं सबसे पहले काम करते हैं फोर एक्स प्लस थर्टीन लेसर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन किया सही किया गलत किया जल्दी बताओ सही किया गलत किया सही किया गलत किया ना बहुत लोग बता रहे थर्ड गलत है क्यों गलत है देखो ये चीज फोकस करो यहां पे यहां पे यहां पे बहुत अच्छे से फोकस करो ये चीज कभी नहीं भूलना आगे से जिंदगी में इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है ठीक है क्या नहीं करना है एवे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है क्यों नहीं करना है भाई ये टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन है ठीक है अब ये टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन किसी ने बोला आपको ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं बोला तो मुझे क्या पता टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन देखो बात ऐसी है, 29. अगर इसमें की मान लो, डाल दिया माइनस फिफ्टी क्या होगा माइनस फिफ्टी इंटू टू माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस सेवेंटी थ्री क्या बना नेगेटिव क्वांटिटी बना की नहीं बना ठीक है बन गया. तो नेगेटिव बन गया तो क्या हो? दिक्कत है आप पूछ सकते हो क्या दिक्कत है नहीं नहीं पूछ सकते हो आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है हमेशा हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तो हम लोग ये नहीं जानते हैं कि 2x plus 27 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो उससे हम लोग कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते कर सकते किसी ने बोला x कैन नॉट बी -27 by 2 बिल्कुल सही है वो तो है ही है x की वैल्यू -27 2 तो हो ही नहीं सकता है बट उससे भी ज्यादा हम लोग उससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जब एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई टू से ज्यादा है तब ये पॉजिटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा जब एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई टू से कम है तब वो नेगेटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वालिटी का साइन पलटेगा ठीक है तो फिर हम लोग ऐसे तो करेंगे ही नहीं ठीक है पहले से ध्यान लेते हैं कि नहीं करना है भाई ये स्टेप गलत है क्योंकि अगर आप ये स्टेप कर गए उसके बाद आप आंसर इधर पहुंच ही जाओगे उसमें गड़बड़ी है कि मैं इन का साइन ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं मैंने देखा किसी ने आंसर लिखा है ये बंदे ने सही आंसर लिखा है इसने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया वेरी गुड भाई माइनस ट्वेंटी से सेवन ये कई लोगों ने आंसर लिखा एक ने नहीं कई बच्चों ने आंसर लिखा और ये बिल्कुल सही आंसर है बट इस आंसर में पहुंचने के लिए हम लोग एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है वेवी वी मेथड ठीक है वो ओएवी का मेथड सीखने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन में वापस आएंगे है ना जल्दी कुछ नहीं है हम लोग आराम से सीखेंगे और ये वाले क्वेश्चन में वापस भी आएंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे कैसे करना है बट जो नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया और इसे प्लीज ध्यान से याद रखो कि टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन जो है quantity, आपको नहीं पता है कि उसकी साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू आप 0 1 2 minus -1 minus -2 ऐसी वैल्यूज डालोगे दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है बट एट द सेम टाइम आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव कर दोगे अगर नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा कर दोगे -2 7/2 से कम करोगे नेगेटिव में लेट्स से माइनस अगर आप 15 रखोगे इसमें तो नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनिटी का साइन चेंज भी हो सकता है तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है वेरिएबल क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है तो करना क्या है उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इस पे आ रहे हैं ओएवी का मेथड ओएवी का मेथड बेटा क्या होता है देखो हम लोग पहले वेवी का मेथड में डायरेक्टली ना कूद के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए देख लेते हैं ठीक है सिंपल आइडिया है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन देखो एफ एक्स ले लिया ठीक है ये वाले फंक्शन तो उसमें हम लोग वैल्यू डाल डाल के देख लेते हैं कि कौन से जगह पे पॉजिटिव आता है कौन से जगह पे नेगेटिव आता है मैंने सबसे पहले देखो क्या काम किया नंबर लाइन में दो पर्टिकुलर वैल्यूज चूज किया एक वन एक नाइन कौन से ये दो वैल्यू है इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन्हें हम लोग बोलेंगे ये इन, ये फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट है क्या है क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ इसके लिए वन एंड नाइन आर द क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्या है जहां जहां पे इसका

वन से लेके nine, एक nine से लेके infinity. ये तीनों पार्ट में ना कुछ कुछ वैल्यूज लेके देख लेते हैं करता हूं, तो आप बताओ किस का साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, आएगा अगर आप x इक्व टेन डालते हो देखो इसमें वैल्यू कितना बना नाइन इसके वैल्यू कितना बना वन नाइन इन वन कितना बना नाइन पॉजिटिव नेगेटिव में बात रखनी है वैल्यू कैसे आ रही है पॉजिटिव ठीक है तो अगर आप थर्टीन डालोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा है ना देखो नहीं. से लेके के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालो उसके लिए ये वाला फैक्टर कैसा बनेगा पॉजिटिव ही बनेगा नाइन से लेके इन्फिनिटी के बीच में आप कितना भी लार्ज नंबर डाल दो हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड तीन लाख चार लाख पांच लाख दस करोड़ कुछ भी डाल दो सबके लिए ये पॉजिटिव आएगा तो हम लोगों ने एक चीज समझाई यहां से कि x की वैल्यू अगर 9 से ज्यादा है तो उसमें फंक्शन ये जो है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस नाइन ये कैसे वैल्यूज लाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज लाएंगे है ना तो अगर x ग्रेटर देन 9 है तो f ऑफ x विल बी पॉजिटिव ये चीज को समझने के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं ये वाला चीज में ना हम लोग नाइन से इंफिनिटी को प्लस मार्क करके रख लिया प्लस मार्क करने का मतलब क्या है उस रीजियन में मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो है पॉजिटिव ठीक है अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला इंटरवल वन से लेकर नाइन के बीच में ठीक है अब वन से लेकर नाइन के बीच में अगर मैं देखू वन से लेकर नाइन के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो से फॉर एग्जांपल आप सिक्स उठा लो सेवन उठा लो कोई भी वैल्यू उठाओ उसके लिए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा बताओ जल्दी क्या बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप 2, क्या बना? Negative, है ना? तो ऐसी सिर्फ 1, 6 और 7 के लिए नहीं वन से लेकर नाइन के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए एफ ऑफ एक्स कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा भाई ठीक है तो एक चीज मैं सेफली लिख लेता इसको याद रखना चाहता हूं तो डायग्राम में एक काम कर दिया। से लेके के बीच में मैंने डाल दिया। का मतलब क्या है यहां पे मेरा एफ एफेक्ट कैसा आएगा नेगेटिव आएगा ठीक है अब माइनस इंफिनिटी से वन इस रीजियन में अगर मैं देखूं इस रीजियन में मैं कोई भी वैल्यू उठाऊ जीरो उठा लो जीरो अगर डालोगे तो जीरो माइनस वन कितना बनेगा? जीरो माइनस वन बनेगा माइनस वन जीरो माइनस नाइन कितना बनेगा बनेगा माइनस नाइन जीरो माइनस वन इंटू माइनस नाइन क्या बनेगा माइनस वन इंटू माइनस नाइन बनेगा नाइन विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या ये चीज जीरो के लिए सही है बाकीयों के लिए सही नहीं है, है. माइनस से वन के बीच में और कुछ भी वैल्यू उठा लो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट माइनस ट्वेल्व जो मन करे उठाओ और इसमें सब्सटीट्यूट करो लेट से अगर आप माइनस एट सब्सिट्यूट करते हो इसमें क्या वैल्यू बनेगा माइनस नाइन इधर डालोगे कितना बनेगा माइनस सेवनटीन माइनस नाइन इंटू माइनस सेवनटीन जो कुछ भी हो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो वो होता है 153 case, की तो है, हाँ, तो है। तो x की वैल्यू नाइन से स्मॉल अगर सॉरी x की वैल्यू अगर वन से स्मॉलर है तो आपका इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा तो उस चीज को हम लोग डिनोट भी ऐसे कर सकते हैं प्लस ठीक है तो हम लोग ये वेवी का मेथड किस चीज के लिए यूज करते हैं चलो अब समझ लेते हैं पहले हम लोगों ने एक

आपके छोटे छोटे लीनियर फंक्शंस दिख रहे हैं एक एक्स माइनस वन एक एक्स माइनस नाइन ऐसे एक्सप्रेशन कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है ये देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेवी मेथड ठीक है तो क्यों वो एविका मेथड बोलते हैं उस पर भी मैं आऊंगा बट सबसे पहले ये आइडिया समझ लो हम लोगों ने क्या किया देखो इसके रूट्स प्लॉट किए वन और नाइन है ना इसके दो दो जीरो मैंने नाम दिया कि दे आर द क्रिटिकल द्रिटिकल उनको नंबर नंबर लाइन लाइन में plot किया. Number line में प्लॉट प्लॉट किया करते से ही क्या हुआ वो तीन हिस्से में बट गया तीन पार्ट में अलग अलग से मैंने वैल्यू डाल के चेक कर लिया कि पे पे वो वो पॉजिटिव बन बन रहा है, कहां पे वो negative बन रहा है है नेगेटिव और उसके हिसाब से रीजियंस को मैंने साइन अलॉट कर दिया जहां पे पॉजिटिव है वहां पे प्लस जहां पे नेगेटिव है वहां पे माइनस अब फाइनली मेरे से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा बताओ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइन ग्रेटर इक्वल टू जीरो कहां पे है अब ग्रेटर इक्वल टू जीरो मतलब मुझे क्या चाहिए मुझे ये बताना है कि इंटरवल पे पॉजिटिव है है ना तो कहां पे पॉजिटिव है यह मैंने कैसे बताना है यह मेरे को बताना है देखो पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है माइनस इंफिनिटी से वन और फिर नाइन से इंफिनिटी अच्छा वन और नाइन में क्या रहेगा उसे इंक्लूड करना है नहीं करना है वो मुझे कौन बताएगा वो मुझे बताएगा ये इनक्वालिटी का साइन ये सारे इनिक्वालिटी के साइन बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि बाद में कहां कहां पे काम आएगा ये देखो जैसे कि हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी डिफेंशियबिलिटी करने जाएंगे वहां पे हम लोगों को एल एच एल आर एच एल काउंट करना होता है वहां पे फंक्शन के साइड में लिखा रहता है कि एक्स के रेंज क्या है कहां से कहां के लिए फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कैसा है तो वो बताने के लिए मुझे इनक्वालिटी का साइन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है आपको जहां पे भी कॉम्पोजिट फंक्शन दिखेगा उसके लिए चीज चाहिए ही होगा तो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं अच्छा ग्रेटर इक्वल टू चलो वापस आते हैं इसमें और को इंक्लूड करना है नहीं करना है देखो एक्स इक्वल टू वन होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी जीरो मुझे इक्वल टू जीरो चाहिए क्या हाँ चाहिए तो इसको इंक्लूड करना है तो आंसर मैं क्या बताऊंगा मैं आंसर बताऊंगा देखो पॉजिटिव कहां पे है माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक फिर कहां से कहां तक नाइन से लेके इन्फिनिटी तक है ना तो माइनस इंफिनिटी से लेके वन नाइन से लेके इंफिनिटी बनेगा पॉजिटिव बनेगा माइनस इंफिनिटी ठीक है बढ़िया तो माइनस इंफिनिटी से वन नाइन से इन्फिनिटी इस रीजन में दिस विल बी पॉजिटिव ठीक है तो क्यों पॉजिटिव हुआ हमने करके देख लिया यार x ग्रेटर देन में पॉजिटिव आ रहा था दो रीजन में मैंने देखा पॉजिटिव है x ग्रेटर देन और एक एक्स लेसर देन वन तो माइनस इंफिनिटी नाइन तो टू इंफिनिटी इस रीजियन में पॉजिटिव समझ में आ गया क्लियर ठीक है सिंपल है है कि नहीं ठीक है चलो अगला और एक फंक्शन ऐसे ही देख लेते हैं फिर इसके शॉर्टकट देख लेंगे भाई एफ एक एक्स इक्वल टू तो एक्स माइनस वन इंट एक्स माइनस नाइन हो गया अब एक देख लेते हैं ठीक है अब देखो ये वाला चीज बहुत सिंपल है कैसे देखो आप जैसे कि आपने देखा ये एक्सप्रेशन आपके पास कितने फैक्टर्स है चार फैक्टर्स है x x x x सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स कौन से हैं जो फैक्टर्स है उसके जीरोस देख लो इनके जीरोस कौन कौन है एंड नाइन इन जीरो करूंगा नंबर लाइन में प्लॉट कर दूंगा जैसे कि प्लॉट किया आपका नंबर लाइन टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए पांच पार्ट्स में डिवाइड हो गए

10 के 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 लिए 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 देख लेते हैं सगर greater than 9 है है -7, -7, चारों के चारों कैसा कैसा आया positive आया 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 कि नहीं ना तो positive आया, FX कैसा बन गया positive. इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया चाहिए वो चीज हम लोग फाइनली में देख लेंगे एक पूरा स्टेप्स आपको नोट करवा देंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा अगले ही स्टेप में क्या होगा अगले ही रीजियन में अगले इंटरवल में ये नेगेटिव होगा ठीक है जनरली क्या होता है कि ऐसे सारे फैक्टर्स के लिए कैसा रहता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चलता है ठीक है तो कैसे देखोगे

ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है कि आपका एक इंटरवल में पॉजिटिव आया तो अगले में नेगेटिव अगले में पॉजिटिव अगले में नेगेटिव अगले में पॉजिटिव इसी हिसाब से चलते जाता है मोस्टली कहीं-कहीं पे थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर आएगा तो वो क्यों आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे ठीक है तो अभी के लिए हम लोगों ने 8 डाला तो देखा नेगेटिव ठीक है तो 7 से लेकर 9 के बीच में क्या रहेगा इसका साइन रहेगा नेगेटिव फोर्थ से लेके सेवन में अगर आप देखोगे फोर्थ से लेके सेवन में कोई भी वैल्यू देख लो इसमें अगर आप फाइव सिक्स ऐसी कोई भी वैल्यू उठाते हो फाइव डाल दो इसमें ये वाला फैक्टर बनेगा पॉजिटिव ये वाला से फोर पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये बनेगा नेगेटिव ये बनेगा नेगेटिव तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा है ना तो फाइव के लिए ये आया पॉजिटिव ठीक है तो फोर्थ से सेवन के बीच में पॉजिटिव टू से लेके फोर के बीच में नेगेटिव माइनस के टू के बीच में पॉजिटिव तो ये ओएवी कर्व का आइडिया सिंपल है कि एक्सट्रीम राइट right में पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे ही चलता गया इसे ओएवी कर्व क्यों बोलते हैं इसे ओएवी कर्व बोलने का सिंपल रीजन ये है कि भाई हम लोग जैसे कि फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना अगर कहीं पे फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव है कहीं पे फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा वहां पे तभी जाके वो पॉजिटिव बनेगा ठीक है पॉजिटिव मतलब क्या है वाई एक्स की वैल्यू आपका पॉजिटिव है एफ की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वाई पॉजिटिव है अगर वाई पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां पे जाएगा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो देखो प्लस जहां पे है वहां पे ग्राफ विल बी एक्स एक्सिस के ऊपर फिर माइनस जहां पे है ग्राफ विल बी एक्स एक्सिस के नीचे फिर प्लस आए तो एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस आए तो एक्स एक्सिस के नीचे प्लस आए तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ कैसे बन रहा है एक वेव टाइप में बन रहा है विच इज वाई हम लोग क्या बोल रहे हैं इस मेथड का नाम लेते हैं वेविका मेथड ठीक है सिंपल है तो हम लोग कैसे देखते हैं ये का मेथड का नाम क्या है है एक इंटरवल में ग्राफ ऊपर तो अगले में नीचे अगले में, है तो अगले में नीचे अगले में ऊपर है तो अगले में नीचे ऐसे ही चलेगा अब जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये वाला फंक्शन जो है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस सेवन बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस नाइन ये कहाँ पे लेसर देन जीरो है वो चीज हम लोग कैसे बताएंगे वो चीज बताने के लिए मैंने ऑलरेडी इंटरवल में मार्क कर रखा है कि पे लेसर देन जीरो फोर में अब देखो टू और फोर को इंक्लूड करना है नहीं करना है देखो फोर तो बेटा कभी इंक्लूड होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में बैठा है अगर आप फोर को इंक्लूड करना चाहोगे तो एक्सिक्वल्स में फोर डालोगे डिनोमिनेटर में आएगा जीरो ऊपर कुछ भी आए डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगा ओवरऑल चीज बन जाएगा अनडिफाइंड अगर आप कभी भी वन बाई जीरो बाई जीरो ऐसे चीज देखते हो ये चीजें क्या होते हैं दे आर नॉट डिफाइंड ठीक है तो डिनोमिनेटर में जीरो तो हम लोग ले ही नहीं सकते इसलिए कौन कौन हट जाएगा मेरा एक्सिक्वल्स टू फोर फाइनल आंसर में कभी नहीं आ सकता है एक्स इक्वल टू फोर नहीं आएगा एक्स इक्वल टू नाइन नहीं आएगा तो फोर और नाइन अगर कहीं पे आया फोर और नाइन अगर कहीं पे आया फोर और नाइन आया तो उन्हें कैसे लेना है उन्हें लेना होगा ये दोनों बनेगा कैसे ये दोनों जाएगा ओपन इंटरवल में हमेशा ही जाएगा ओपन इंटरवल में अब मैं देखूंगा कि इनइक्वालिटी मैं किस चीज के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं लेसर देन जीरो के लिए तो लेसर देन जीरो है तो क्या मैं एक्स इक्वल टू टू को इंक्लूड कर सकता हूं नहीं क्यों नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक्स की वैल्यू टू डाल दोगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जीरो क्या मुझसे पूछा गया है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो से इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखो बोल दिया कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो से इक्वल नहीं चाहिए लेसर देन जीरो चाहिए तो फिर मेरे को कौन कौन से रीजन लेना है टू से लेके फोर टू कैसा रहेगा ओपन इंटरवल में फोर कैसा रहेगा ओपन तो ओपन टू से ओपन फोर तक टू फोर तो ओपन जाना ही था टू को भी ओपन रखना है क्योंकि एक्स प्लस टू टू डालोगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा नहीं चाहिए भाई सिमिलरली सेवन से लेके नाइन सेवन और नाइन ये भी आपका कैसा जाएगा ओपन में जाएगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा मेरा फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 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 फोर यूनियन सेवन टू नाइन देखो कहीं पे डाउट है कि नहीं है मैंने क्या देखना था इजे एक्सप्रेशन पे लेसर देन जीरो है कहां पे लेसर देन जीरो है देखने के लिए क्या है एक्सट्रीम राइट right वाला प्लस गया अगला माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलता गया तो मुझे लेसर देन जीरो के लिए अगर पूछा है तो मुझे चूज करना है वो रीजियंस जहां पे एक्सप्रेशन आपका कहता है नेगेटिव है लेसर देन जीरो है लेसर देन जीरो है मतलब आपको कौन से रीजियन लेना है जहां पे मैंने माइनस से मार्क कर रखा है कौन कौन से है वो रीजियन टू टू फोर सेवन टू नाइन है ना सिंपल है अब ये वाले सारे चीज हम लोगों के फंक्शन के डोमेन में काम आएगा इनिक्वेलिटी में काम आएगा है ना रिपीट के लिए बोल रहे हो फिर से और एक बार बता देते हैं देखो आप सबसे पहले तो एक वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो जैसे कि मैंने टेन डाला टेन कौन सा वाला इंटरवल से था नाइन से लेके इंफिनिटी इस रीजियन से था तो जब मैं नाइन से लेके इंफिनिटी रीजियन पकड़ लिया इस रीजियन में से एक वैल्यू उठा लिया टेन उसको किया इसमें देखा कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है ओवरऑल प्लस फिर से 7 से लेके 9 में देखा सेवन से लेके नाइन में कोई भी वैल्यू उठा के डाल के देखो तीन फैक्टर पॉजिटिव मिलेंगे एक फैक्टर नेगेटिव मिलेगा ओवरऑल कैसा बनेगा फंक्शन आपका माइनस नेगेटिव बनेगा तीन फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव ओवरऑल प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा था माइनस मल्टीप्लाई करते से ही माइनस मल्टीप्लाई करते से ही वो क्या बन गया नेगेटिव बन गया ओवरऑल क्या बन गया नेगेटिव अगले में क्या हुआ अगले में दो पॉजिटिव दो नेगेटिव तो ओवरऑल मेरा कैसा रहा ओवरऑल फिर से पॉजिटिव हो गया ठीक है फिर अगले में नेगेटिव एक पॉजिटिव ओवरऑल बन गया नेगेटिव तो ऐसे ही हम लोगों का क्या रहता है सिंपल आइडिया यह है कि आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है आपने कर करने के क्या होगा? एक पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव फिर तो अगला नेगेटिव ऐसे ही ठीक है क्लियर चलो अब तीन चार सिंपल आइडिया देख लेते हैं एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू फोर पहला वाला हम लोग देखो ये सारे क्वेश्चन बेसिक है कुछ लोगों को डेफिनेटली लगता है बट ऐसे क्वेश्चन में ना जल्दी में बहुत गलती करते हैं तो वो गलती आपसे आगे नहीं होना चाहिए हम लोग अभी क्वाड्रेटिक ट्रिगो फंक्शन जो कुछ भी करेंगे सब में ये इनक्वेलिटीज आ जाता है और ये इनक्वेलिटीज में जल्दी में बहुत गलती होते हैं जो कि हमें नहीं करना है पहला वाला लेते हैं देखो इसमें गलती लोग क्या करते हैं एक्स एसक्ल लेसर इक्वल्स टू फोर जैसे कि आप करोगे पहले ही क्या आ जाएगा पहले ही आप मतलब ऐसे गलती बहुत लोग कर लेते हैं कि लेसर फोर। चलो किस ये क्या हुआ साइड ने आपने स्क्वायर कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया स्क्वायर रूट लेते से ही क्या बन गया, लेसर तु तु बन गया। ये चीज सही है गलत है बताओ गलत है क्यों गलत है भाई देखो एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू फोर में एक्स लेसर इक्वल टू टू आपको लगता है कि सही होना ही चाहिए बट क्या हो रहा है अगर आप एक्स लेसर इक्वल टू टू इक्वल टू टू मतलब क्या है? मतलब say, है, है है 25. 25, से से छोटा छोटा कुछ कुछ भी भी ठीक मतलब नहीं तो ये इनइक्वालिटी जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें हम लोगों को आंसर क्या आता है इसमें आंसर वही आता है आंसर वही चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई करे है ना कभी भी आप किसी भी इनिक्वालिटी को सॉल्व करते हो उसका मतलब यह रहता है कि आपका आंसर उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए ठीक है तो आंसर जो हम लोग लाएंगे एक्स लेसर इक्वल टू टू करने पे वो पूरा इंटायरली सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि टू से छोटी ऐसे बहुत वैल्यूज है माइनस टेन माइनस हंड्रेड कुछ भी ले लो सबके स्क्वायर फोर से ज्यादा होता है तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो ये बिल्कुल गलत है एक्स लेसर इक्वल टू टू डायरेक्टली कभी आप नहीं लिख सकते हो आपको करना क्या चाहिए आपको ऐसे करना चाहिए देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेसर इक्वल टू जीरो इसे सॉल्व करते जाएंगे बहुत लोगों ने सही आंसर भी लिखा प्लस माइनस टू लिखा कई लोगों ने गलत है वो थोड़ा सा मोडेक्स लेसर इक्वल टू टू कई लोगों ने लिखा बिल्कुल सही है कई लोगों ने ये भी लिखा है माइनस टू से टू जो कि बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया वेरी गुड सा बहुत बढ़िया X, इसे कैसे लिख सकते हैं देखो को कर अगर आप ये लिख रहे हो तो अब इसके बाद आप कहां से सॉल्व करोगे कैसे करोगे हम लोग एक फुल प्रूफ मेथड लास्ट में लेंगे है ना सबसे पहले इसके दो फैक्टर्स देख लो इसका जीरो क्या है टू ये वाले फैक्टर का जीरो क्या है माइनस टू तो so -2 पहले आएगा फिर 2 आएगा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों को प्लॉट कर लिया अब देखो एक्सट्रीम राइट right वाला क्या है प्लस अगला क्या माइनस अगला क्या प्लस हो गया अब इसके बाद क्या करना है देखो आईडिया यही है मैं पहले आपको रीजंस एक्सप्लेन कर रहा था मैथ्स में हम लोग यही करेंगे कुछ ये चीज अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो अच्छे से समझ लो और हर जगह हम लोग यही देखेंगे पहले रीजन समझेंगे फिर शॉर्टकट में आएंगे शॉर्टकट ऐसा होगा जो कि जेई मेंस के तो आप यू ही दो मिनट में सॉल्व कर पाओ ठीक है तो हम लोग रीजन चेक कर लिया पैटर्न समझ में आ गया एक्सट्रीम राइट वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जा रहा है ना मुझे क्या चाहिए आंसर में अब लेसर इक्वल टू चाहिए कुछ लोगों के आंसर में मैंने देखा कि माइनस टू से टू जो लिखा है उसमें गलती से क्या कर दिया ओपन इंटरवल यूज कर लिया वो नहीं होना चाहिए माइनस टू और टू हमेशा आपका क्या रहेगा इसमें इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे है माइनस को भी इक्वल रखना है टू को भी इक्वल रखना है किसी ने पूछा साइन कब चेंज होगा भाई यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट ही किया ना फोर को तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता है साइन चेंज कब होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो यहाँ पे साइन चेंज की कोई सीन नहीं है माइनस टू से टू एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से टू आपका उधर ये लेसर इक्वल टू रहेगा, अगले का भी सही आंसर आ चुका है बहुत लोगों का पलक आ, अमन बहुत बढ़िया और भी कई लोगों का सही सही आंसर आ रखा है यथा बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है जो सबके नाम नहीं ले सकते हैं भाई बहुत लोग जल्दी जल्दी चैट सकते हो आप उसके बाद देखो स्क्वायर रूट नहीं लेना है इन इक्वालिटी में डायरेक्टली स्क्वायर रूट आप अपने आप से प्रोमिस कर लो कभी नहीं लोगे अब देखो आप क्या कर सकते हो ये ट्वेंटी फाइव बाई फोर लेफ्ट साइड में लाओ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर क्या है ग्रेटर इक्वल टू जीरो आप इसमें क्या लिख सकते हो इसको इसे फैक्टराइज कर लो फैक्टराइज कैसे कर रहे हो इसको या इसको आप फैक्टराइज कैसे कर रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे क्या बनेगा X 25 4 का स्क्वायर रूट क्या है? अब इसमें हम लोगों ने नंबर लाइन में डाल तो लिया है इसके बाद क्या होगा प्लस माइनस प्लस देखो हमेशा एक्सट्रीम राइट right वाला प्लस गया फिर माइनस फिर प्लस ऐसे ही जाता जाएगा अब मुझे क्या चाहिए बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर है अब इसमें आप क्या करोगे कि आपका आंसर कैसा जाना चाहिए प्लस वाला जाना चाहिए क्यों मुझे चाहिए फाइव बाई टू और को साथ लेना है नहीं लेना है लेना है क्यों क्योंकि फाइव बाई टू डालने पे ये किसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो माइनस फाइव बाई टू को साथ लेना है फाइव बाई टू को भी साथ लेना है मेरा इंटरवल कौन कौन सा रहेगा

यूनियन से infinity, दो इंटरवल अगर मुझे लिखना है उनके यूनियन से मुझे आंसर यहाँ पे लिखना होगा है ना बिल्कुल प्लस वाले दो रीजन माइनस इन्फिनिटी से माइनस से इंफिनिटी आंसर जल्दी जल्दी कुछ लोगों का आंसर हाँ बिल्कुल सही है थर्ड वाले का आंसर लक्ष्य दीपा शिवांश दीपांशु बहुत लोगों का आंसर बिल्कुल सही है ये हाँ शुभदीप बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया कई लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सएस प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो अब ये वाली चीज के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से एक चीज डिस्कस कर लेंगे जो कि वैसे तो हम लोगों का है क्वाड्रेटिक के टॉपिक का बट अभी से समझ लेंगे तो क्वाड्रेटिक भी आसान हो जाएगा क्वाड्रेटिक में भी कई जगह पे काम आ जाएगा वो चीज एक्स ए स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो चाहिए मुझे बताओ भाई ये कभी नेगेटिव होता भी है कि नहीं होता है अगर आप बोलोगे की अगर आप ये बोलते हो कि इमेजिनेर

पॉजिटिव रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दो कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो जीरो डाल दो कुछ भी कर दो हमेशा ये पॉजिटिव रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑल रियल नंबर आप इसे कैसे लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो आप इसे और क्या लिख सकते हो आप इसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी आप दोनों में से कुछ भी लिखो बिल्कुल सही आंसर है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे या तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में है? दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लेसर इक्वल टू जीरो इसका आंसर क्या होगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का क्या होगा लेसर इक्वल टू जीरो नॉट डिफाइंड बता रहे हो नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली हम लोग नहीं बताएंगे बिल्कुल सही है बात है सेवन एक्स स्क्स हम लोग नॉट डिफाइंड नहीं बताएंगे रेदर अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं क्या मुझे ऐसा कोई एक्स मिल सकता है जिसके लिए ये बेचारा लेसर इक्वल टू जीरो बन जाए बिल्कुल नहीं एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो भाई सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ना मिनिमम टू मिनिमम थ्री ले लेगा इससे कम तो ये जिंदगी में नहीं हो सकता है एक्स की वैल्यू जीरो

दूसरा क्या रह सकता है इसका रह सकता है मतलब मतलब क्या है मतलब null बिल्कुल सही बात कर रहे हो बिल्कुल बहुत लोगों ने सही आंसर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू फाइव नो सॉल्यूशन अगर है उसको हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव ठीक है तो इतना सा पार्ट हमें समझ में अगर आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा और एक चीज देख लेंगे वेवी के फाइनल थियोरी को फाइनलाइज करने से पहले कि कई बार क्या होता है कि ऐसे यहाँ तक जो भी हम लोगों ने देखा लास्ट के दोनों छोड़ के बाकी सबको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसे फैक्टराइज कर सकते हैं है, है ना अलग, अलग 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 छोटे छोटे लीनियर फैक्टर्स में आ जाता है बट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि ये वाला, x square plus one, जैसे कि ये वाला, x square plus 3, ये ये वाला वाला जैसे वाले चीज कैसा है ये वाले चीज फैक्टराइज नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिद्दी है इनके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कौन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं होते हैं जिनके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई क्वाड्रेटिक में रियल रूट कब एग्जिस्ट नहीं करता है जल्दी जल्दी बताओ बिल्कुल सही क्वाड्रेटिक में रियल रूट तब एग्जिस्ट नहीं करता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन जीरो बिल्कुल सही बता रहे हो बहुत लोगों ने सही बताया थर्ड वाला अच्छा अगर कुछ लोगों को इसमें अभी भी डाउट है थर्ड वाले में भाई देख एक्स स्क्वायर प्लस वन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बहुत अच्छे से समझो एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो चाहिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन मुझे चाहिए पॉजिटिव तो मुझे बताना क्या है एक्स की वैल्यू बताना ही है भाई एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड बंदा है ये हमेशा एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल दो वो पॉजिटिव लाता है ना क्योंकि एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो आप कोई भी क्वांटिटी कोई भी रियल नंबर के स्क्वायर करोगे वो तो बेचारा पॉजिटिव होता है उसमें आप ऐड कर रहे हो तो और पॉजिटिव हो गया ठीक है है तो x बिलोंग्स टू r इसलिए इसका आंसर कि रियल नंबर आप कुछ भी लाओ उसके लिए ये पॉजिटिव होगा ठीक है चलो पुरानी कहानी में वापस आते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक्सप्रेशन के रियल जीरोस नहीं है कोई भी रियल जीरोस कब नहीं होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन जीरो भाई ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है बी स्क्वायर माइनस फोर ए याद है कि नहीं है क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए बहुत लोगों ने सही आंसर दिया तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेसर देन जीरो होता है तो इसके क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके अगर आप डील कर रहे हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा तो अगर क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो है तो कोई रियल रूट नहीं मिलेगा वो रियल रूट नहीं मिला तो ये क्या हो रहा देखो ये वाला एक्सप्रेशन भी ऐसा है इसका अगर आप देखोगे इसके लिए एक ही वैल्यू है वन देखो एक्स की कोएफिशिएंट वन है एक्स का क्या है बी इधर एक्स जो है डी है, है तो देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका क्या बनेगा जीरो माइनस फोर इंटू वन इंटू वन क्या बन रहा है माइनस फोर ये कैसा चीज है लेसर देन जीरो तो ये कैसा बन रहा है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेसर देन जीरो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो बना कोई रियल रूट नहीं हुआ और एक्सप्रेशन आपका कैसा रहा यह रहा, कहानी में हम लोग अच्छे से इन डिटेल्स में समझ लेते हैं ठीक है इन डिटेल्स में क्या ये वाला क्वाड्रिटी के एक्सप्रेशन कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है कब ऑलवेज नेगेटिव होता है ये बहुत जरूरी है समझना तो हम लोग एक बार ही देख लेते हैं देखो अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके लिए ए इज ग्रेटर देन जीरो है सबसे पहले हम लोग ये चीज ग्राफ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हम लोग देखते हैं अब यहां से इंपॉर्टेंट कहानी है आराम आराम से समझो ठीक है ये बहुत जरूरी है ये समझ लोगे तो हम लोग थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में वापस आएंगे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कुछ लोगों को अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ तो ये वाला चीज आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ठीक है हम लोग आते हैं की कहानी में अब ये बताओ कि ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये क्या चीज है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है पैराबोला है है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है पैराबोला रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है पैराबोला ये पैराबोला ना दो टाइप का होता है जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है फोर्थ क्वेश्चन में जो इसको डाउट है फिर से बताएंगे भाई ए ग्रेटर देन जीरो जब है ये कैसा रहता है ये रहता है एक अपवर्ड्स पैराबोला ठीक है अब यहां से सबसे जरूरी कहानी समझ में आना चालू होना चाहिए देखो अपवर्ड्स पैराबोला होता है अपवर्ड्स पैराबोला मतलब कैसा दिखता है अपवर्ड्स पैराबोला मतलब ऐसा दिखता है ठीक है ये रहता है आपका अपवर्ड्स पैराबोला का चीज कैसा पैराबोला आपको ऐसा ही दिखेगा ठीक है कोई भी लो. Y है, 0. A क्या है, पे? A है आपका X तो भाई ये पैराबोला दिखेगा तो अपवर्ड्स पैराबोला यहाँ पे तीन तीन मैंने क्यू डाल रखा है ग्राफ तीन तीन डाल रखा रीजन यह है तीन केस बन सकता है

बट इसी से बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा देखो एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन देन होता 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 है D होता है D होता है लेसर इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक A आपका है, x square, अगर है, क्या रहेगा अपवर्ड्स पैराबोला रहेगा ठीक है तो पैराबोला देखो डी ग्रेटर ऐसा ग्राफ बनाया मैंने क्यों ऐसा ग्राफ बनाया देखो d ग्रेटर देन 0 है मतलब कितने रियल रूट्स है बताओ जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी बताओ dl रूट्स कितने होंगे d ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल रूट्स है दो है ना दो रियल रूट्स तो ग्राफ फंक्शन के साथ कितने बार कितने बार फंक्शन के ग्राफ x एक्सिस के साथ कितने बार इंटरसेक्ट करेगा दो बार इंटरसेक्ट करेगा अब ये ग्राफ देखो इधर दो रूट्स जो है ये दोनों रूट्स को छोड़कर के बीच में ग्राफ कहां पे है नीचे है इधर कहां पे है एक्स एक्सिस के ऊपर है जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर है ये दो रीजन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं ठीक है इधर एक्स एक्सिस के नीचे है ये ग्रीन वाला हिस्सा ये दोनों रूट्स के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे है यहां पे आपका क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रीजन में कैसा रहेगा इस रीजियन में रहेगा नेगेटिव और जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मतलब समझो आपका जो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है यह कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्सिस के ऊपर है ठीक है तो हम लोग क्वाड्रेटिक देख के हम लोग सिंपली यह समझ लेंगे इसके दो रियल रूट है कहां से देख के समझेंगे दो रियल रूट है डी ग्रेटर देन जीरो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है दो रियल रूट है अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए देख लो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्राफ प्लॉट करके देखे इसका एक, दो रियल रूट है एक एक्स माइनस वन और एक एक्स माइनस टू है ना इसका जब हम लोग ग्राफ देखेंगे ना किसका ग्राफ देखेंगे इसका नहीं हम लोग ग्राफ देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का इसका ग्राफ देखने जाओगे ग्राफ x एक्सिस के साथ कहां पे इंटरसेक्ट करेगा एक करेगा वन पे एक करेगा टू पे क्यों करेगा क्योंकि वन पे इसकी वैल्यू जीरो है ठीक है तभी जाके एक्सिस पे ऊपर वो पॉइंट बैठ रहा है तो ये ग्राफ कैसा रहेगा ऐसा रहेगा ठीक है कैसे देखा कैसे पता चला का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इंटरसेक्ट कहां पे करना है वन और टू पे कहां पे जहां पे जहां उसके रूट्स है ठीक है तो रूट्स के नीचे देखो वन से लेके टू के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे चला गया वहां पे समझो फंक्शन कैसा नेगेटिव बन गया क्यों क्योंकि आपके y की कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हुआ नेगेटिव हुआ x एक्सिस के नीचे आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव होता है तो वहां पे नेगेटिव हुआ इधर ये पॉजिटिव हुआ ठीक है ये डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो वाले केस में अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो होता है तो देखो ये वाला फंक्शन के लिए कोई रियल रूट नहीं है अगर ये वाले फंक्शन के लिए रियल रूट नहीं है तो रियल रूट नहीं है मतलब क्या ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा क्या बिल्कुल नहीं करेगा क्यों रियल रूट तो है ही नहीं एक्स एक्सिस के साथ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो तो जीरो तो ये बन नहीं सकता है क्यों नहीं बन सकता है क्योंकि इसके रियल रूट है ही नहीं तो ये ग्राफ क्या करेगा हमेशा हमेशा एक्स-एक्सीज़ के ऊपर रह जाएगा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रह गया तो फिर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा रहा आपका y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका कैसा रहा ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है तो आप ये कहानी हम लोग क्वाड्रेटिक में फिर से समझेंगे आप इसमें से एक चीज मतलब देखो हम लोग एक ही चीज ना बार 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 करके अलग अलग तरीके से समझें समझेंगे और उसको फाइनली दिमाग में बिठा लेंगे तो हम लोग जो इस चीज की बात कर रहे थे देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेसर देन जीरो हुआ वो कैसा रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा अब वापस जाते हैं फिर से थर्ड क्वेश्चन में आपका ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आपको पता चला इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इस लेसर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो है तो ये कैसा रहा ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहा तो आपसे क्या पूछा कि भाई एक बता दे किसके लिए ये हम पॉजिटिव रहेगा तो भाई ऑलवेज पॉजिटिव आप बता रहे हो ऑलवेज पॉजिटिव है तो कौन से एक्स के लिए पॉजिटिव होगा सारे एक्स के लिए सारे X मतलब अब देखो देखो वाले वाले में में क्या पूछ रहा है फोर्थ वाले में भी आप देखो, आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा फोर्थ वाले में भी आपका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा देखो ए की वैल्यू है सेवन बी की वैल्यू है जीरो सी की वैल्यू है थ्री तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसा बनेगा जीरो माइनस फोर इंटू थ्री इंटू सेवन अरे बाप रे कितना बना माइनस 84 माइनस एट्टी फोर इज लेसर देन जीरो ठीक है माइनस एट्टी कैसा रहा डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन जीरो भाई डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो मतलब ये कैसा रहा ये वाला एक्सप्रेशन बना ऑलवेज पॉजिटिव सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कैसा एक्सप्रेशन बना भाई ऑलवेज पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर है तो मुझसे क्या पूछा कहां पे ये लेसर इक्वल टू जीरो से आप तीन बज गया ऑलमोस्ट ठीक है तो फटाफट 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 रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज हम लोगों ने देख लिया हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया एकदम इंटरवल से है ना इंटरवल क्या होता है दो रियल नंबर्स के बीच वाले नंबर्स को ठीक है अब इंटरवल्स हाँ हाँ भाई भूख तो हमें भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है देखो क्या होता है हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट डे के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि फर्स्ट डे में हम लोगों को एट ए मतलब एट स्ट्रेच पांच घंटा बैठना पड़ रहा है ठीक है आई नो इट्स टैक्सिंग बट एट द सेम टाइम आप समझो डेडिकेशन मेहनत, कंसेंट्रेशन ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोर्स में अगर मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूँ आप सभी द्रोणा बैच में हो आप हम लोगों के अर्जुन बनना चाहते हो तो वो डेडिकेशन वो लगन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है ये सारा चीज हम लोग आपके साथ मेहनत करके बहुत अच्छे से आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहेंगे ठीक है तो चलो वापस आते हैं फटाफट -फड़ निपटाते हैं क्या-क्या देख लिया इंटरवल देख लिया इंटरवल किस काम में आता है भाई इन का रिजल्ट लिखने इंटरवल के टाइप्स देख लिया ओपन क्लोज ओपन क्लोज क्लोज ओपन लिनियर इनइलिटीज देख लिया लिनियर इनक्वालिटी का बेसिक रूल है एड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं सब्ट्रैक्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं इनक्वलिटी का साइन कभी पलटेगा नहीं अगर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आपको ध्यान देना है नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इन इक्वालिटी का साइन हमेशा पलटेगा ठीक है अच्छा अब इसके बाद ये वाले लिनियर इनक्वेलिटीज कुछ देखे आज जो मैंने डीपीपी अपलोड किया था मुझे लग रहा था वो भी कर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो आज का डीपीपी अभी सॉल्व मत करो कल करो ठीक है एक दिन का टाइम और ले लो कल भी हम लोग में शुरू में टाइम ले लेंगे ठीक है बहुत अच्छे से ये चीज रिवाइज करो जो कुछ भी हमने बोला जो कुछ भी बोला वो सारा चीज रिवाइज करो और उसके बाद कल फिर से आओ डाउट्स लाओ सारे डाउट्स लाओ जहां जहां पे आपके दिमाग में कहीं कही ना कहीं डाउट है कि ये वाला चीज ना समझ में नहीं आया लगा कि ये क्वाड्रेटिक में मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक में कुछ कुछ लोग यहां पे आके तब तक में एनर्जी भी डाउन हो गया बट कोई बात नहीं करो फिर से देखते हैं हम लोग कल यहां से फिर से चालू करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है इसके आगे हम लोग ए लेसर देन जीरो वाले क्वाड्रेटिक देखेंगे फिर वो कब ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है वो देखेंगे फिर वो भी कर्व के शॉर्ट ट्रिक में आएंगे ये सात स्टेप जो है इसे फॉलो करोगे तो वे भी कर बस खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं वीकेंड एग्जाम टू आवर्स कैसे थ्री अवर्सरामेंट लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे हम लोग फर्स्ट डे पे अगर आपको बोले कि भाई ये एडवांस का टेम्परामेंट दिखा दे दो पेपर बैक टू बैक लिख दो छह घंटे के आएगा क्या मजा कर लोगे क्या कंसेंट्रेट उतना ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्टेगा हम लोग एक एक स्टेप में एक एक स्टेप एट मतलब देखो बेबी स्टेप्स लेके शुरू करेंगे आराम से कर, पूरा टेम्परामेंट बनाएंगे और उसके बाद आज मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं आज अगर आपने पांच घंटे पूरा बैठ लिया कल ये पांच घंटे बैठने में कोई तकलीफ नहीं आएगी परसों तक तो आप इतने टू हो हो जाओगे देखो सिंपल सा है आप आप अगर जाते हो, अगर जिम जिम जाते में में फर्स्ट डे सौ के जी का डम्बल पकड़ा देगा ना तो सौ के जी का तो कोई भी नहीं, नहीं पकड़ता है छोड़ो वो ज्यादा निकल गया बट फर्स्ट डे में अगर आपको तीस किलो का डम्बल दे दिया आपके मतलब घर जाके ना हाथ इतना दर्द करेगा अगले दिन से आप जिम जाना भूल जाओगे आपको फर्स्ट डे में पांच किलो का डम्बल देगा ठीक है या तो थोड़ा ज्यादा आपका अगर मतलब है तो आपको दस किलो का दे देगा ठीक है बीस किलो तीस किलो का डम्बल फर्स्ट डे पे दे दूंगा आप अगले दिन नहीं आओगे ठीक है धीरे धीरे करके हम लोग टेम्पराम डेवलप करेंगे कल से आप में मैं गारंटी ले रहा हूं कल से आप और बेहतर कंसेंट्रेट करोगे वीकेंड तक एकदम परफेक्ट हो जाओगे बैठ के देख भाई जेई का एग्जाम भी तो हमें एटस्ट्रेच तीन घंटे कंसेंट्रेट करके लिखना ही है ना तो हम लोग करेंगे डीपीपी मिल जाएगा अगर आपको एविका ऑलरेडी थोड़ा सा आता है आप अटेम्प्ट करो बट उसका सॉल्यूशन भी हम लोग दे देंगे आप अटेम्प्ट कर लो हम लोग इन एनी केस मैं प्रेफर करूंगा कि आप कल के क्लास के बाद अटेम्प्ट करो आप करना चाहते हो टोटली कर सकते हो ठीक है चलो मिलते हैं कल ही मिलते हैं है ना डीपीपी कहा मिलेगी डीपीपी आपको ऐप में मिल जाएगी है ना डीपीपी आपको मिलेगी आज ही ऐप में अभी मिल जाएगी लेक्चर 40 मिनट्स तक में अपलोड हो जाएगा लेक्चर्स अपलोड होने के बाद आई विल रिक्वेस्ट स्पेशली टू ऑल ऑफ यू दो जिनको ये वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट रहा कल फिर से पूछो क्लास में आते से ही पूछ लो हम लोग शुरू में ही ये वाला चीज क्लियर कर लेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे वेव कर्व खत्म करेंगे उसके बाद लॉगरिदम में आएंगे थोड़ा सा क्योंकि वो हम लोगों को बेसिक और कुछ चीजें समझने में हेल्प करता है ठीक है नोट्स आपको अगेन ऐप में मिल जाएगा आपको ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा डीपीपी का सॉल्यूशन रात तक अपलोड होगा साढ़े आठ नौ बजे तक मान लो अपलोड होगा आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ा जाएगा जिसमें हम लोग आपके सब डाउट्स वगैरह ले सकते हैं जहां पे जो भी डाउट्स होगा वो चीज आप वहां पे बता सकते हो टेलीग्राम चैनल से हम लोगों को वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको ऐप में मिल जाएगा आज नहीं मिलेगा ठीक है ध्यान से सुन लो आज नहीं कल तक मिल जाएगा ठीक है चलो मिलते हैं कल बाय लव यू ऑल सो आए no. so, uh, कैसे हो आई होप मैथ्स के और को सर भी यार आपको प्यारे पसंद आए हों मेरे को दो तीन और बग पता चले हैं पहला तो एक आपने ये बताया कि आप जब क्लास देखते हो तो ऊपर से ऐसे वो नंबर भाग रहा होता है जो भी आपका पर्सनल नंबर है तो वो यार बग है वो दो दिन में ठीक हो जाएगा ऐप में जैसे ही अपडेट करते हैं एक दिन तो लग ही जाता है और सेफ रहने के लिए मैंने आपको दो दिन बोल दिया है तो वो वाली जो चीज है वो हट जाएगी आपकी ठीक है और थर्ड वाली जो हमारी क्लास है इसमें कोई लैग नहीं आया होपफुली हमारी जैसे ही हमने स्टार्ट किया सारे बच्चे एकदम से ज्वाइन कर पाए थे तो पहली में क्रैश हुआ था सेकंड में हमने थोड़ा ठीक करा थर्ड तक अब हमने और ठीक कर लिया फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि एक दो दिन और देना ऐप की अगर कोई टेक वाली रिलेटेड चीजें मिस्टेक्स होंगी तो और हाय 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 एवरीवन नोट्स कहाँ मिलेंगे अच्छा नोट्स यार जैसे ही ये अभी एक लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो आधे घंटे बाद इसका रिकॉर्डेड आपको वर्जन मिल रहा होगा और जैसे ही वो रिकॉर्डेड वर्जन होगा उसी के नीचे आपको डीपीपी और आपका यार ये जो लिखा हुआ है ना ये सारा सारा आपको पीपीटी वगैरह मिल रहा होगा जो भी आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी मिलेगी उसका एंड ऑफ डे तक आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे जैसे कि आप अपना रात को देख दाख सको फिर भी डाउट है तो अगले दिन टीचर मास्टर जी से फिर से पूछ लो भैया इलेवन ट्वेल्थ के कोर्स आ रहे हैं क्या हाँ आ, आ रहे हैं पर आपने तो ड्रॉपर्स ले लिया पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओके टेलीग्राम ग्रुप बना दो ठीक है दो दिन दो बन जाएगा बना लेंगे टेलीग्राम ग्रुप मैं देख लेता हूँ किस किस प्रकार से बनाने क्या क्या नामकरण उनका दें और बना लेंगे अः तो चलो ठीक है बाकी सारी चीजें तो बढ़िया हैं और जितने भी बच्चे हैं जिन्हें ऐप में फर्स्ट डे में इश्यू आया मैं फिर से दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा और तुम बस चीजें बताते रहना क्या क्या आपको चाहिए मैं लेके आऊंगा कहीं से लेके आनी पड़े वो लेके जरूर आएंगे आपको ऐप आप के अंदर कोई फीचर चाहिए तो उसके लिए भी यार फुल एफर्ट डालेंगे कि वो जल्द से जल्द और आपको कोई भी सहूलियत के लिए आ रहा हो ठीक है और जिनका भी यार लेक्चर वन क्रैश हुआ था वो यार दोबारा लेक्चर वन आपको फिजिक्स का पढ़ाया जाएगा तो उसका हम नाम भी वही रखेंगे टेस्टिंग फिजिक्स वाला जो लेक्चर है केमिस्ट्री में आज हमने पढ़ाई करी मैथ्स में करी फिजिक्स जो है वो दोबारा आपकी यार स्टार्ट होगी लेक्चर नंबर वन के साथ भैया डाउट सेशन कब होंगे अब देखो डाउट के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपका एक तो डीपीपी होगा जो हर क्लास के बाद मिल रहा है जिसके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे जैसे कि कोई फर्स भी जाए तो वीडियो सोल्यूशन देखे सिमिलरली जो कोर्स मटेरियल होगा जो ऑफलाइन आपको एंड ऑफ मंथ तक मिलेगा और तब तक आपको ऑनलाइन में ऐसे स्टडी मटेरियल हम साथ साथ में देते रहेंगे उनके आपको वीडियो सोल्यूशन मिलते रहेंगे और उसके बाद जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक पूरी डेडिकेटेड उसकी डाउट क्लास होगी तो आप बोल सकते हो कि भाई स्टडी मटेरियल में फलाना एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपके मास्टर जी यहाँ पे आपको करके करा देंगे डीके मिश्रा सर कब आएंगे तो डीके मिश्रा सर और, और को सर ने यार अपने चैप्टर कुछ बांट लिए इंटरनली ठीक है तो आपको कुछ चैप्टर तो और को सर कराएंगे और फिर कुछ चैप्टर आपको डीके मिश्रा सर करा रहे होंगे तो दोनों मैथ्स के फैकल्टीज उन्होंने बांट लिए अपने ठीक है वो भी बहुत पसंद आएंगे यार आपको एक किसी बच्चे ने बताया कि भैया अभी वेबसाइट पे जब कमेंट करते हैं तो फ्रीज हो जाती है कमेंट नहीं करते तो सब कुछ ठीक से चलता रहता है उस बग को भी मैं चेक करा लूंगा तो बग का चिंता मत करना दो तीन दिन में यार मैं निपटा लेंगे इनको ठीक है और तो यार बग आपकी वजह से किसी ने रिव्यू अगर खराब दिया हो प्लीज उसको ठीक कर लेना यार मैं चाहता हूं हमारे रेटिंग फोर के नीचे ना गिरे और वो फर्स्ट क्लास क्रैश हुई तो उससे आप में से कुछ लोगों को बुरा लगा तो करा लूंगा उसको चिंता ना सीक्रेट रूम सीक्रेट रूम आ रहा है पांच दिन में वो भी प्यारी चीज है आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उसमें अब कुछ बच्चों का है कि भैया डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है अब देखो यार जब भी स्ट्रीमिंग होती है डेटा थोड़ा यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन आपने क्वालिटी कितनी रखी है सेवन ट्वेंटी पी रखी है फोर एटी रखी है थ्री सिक्सटी रखी है उससे नीचे रखी है तो वहां पर डेटा थोड़ा आ, यूज हो रहा होता है क्या है कि मैं अगर उसको और कंप्रेस कराऊंगा तो हो सकता है पिक्सलेटेड आपके पास पहुंचे फिर क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर रही होगी ये सीधा अभी आपके कैमरा से निकलता है ओबीएस में जाता है और सर्वर पर स्ट्रीम होता है लव यू टू लव यू टू भैया डार्क मोड इनेबल कर दो हमारे आप में डार्क मोड था पर हमने जो पहला ऐप बनाया उसमें था इसमें भी ले आएंगे अभी वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है पर ठीक है वो आ जाएगा वो धीरे धीरे आ जाएगा पहले सारी चीजें स्टेबल हो जाए एक बार तो ठीक है चैट को स्लो कर दो अरे यार चैट आपको पढ़नी है क्या चैट को स्लो में देखते हैं पर आ, चैट को बंद ही रखा करो एंटीन लेस आपको क्वेश्चन पेन चलाओ उंगलियां मत चलाओ उंगलियां तभी चलाओ जब आपको डाउट पूछना हो अपने मास्टर जी से ठीक है और भैया मटेरियल कब तक आएगा एंड ऑफ अगस्त तक यार आपका मटेरियल आ रहा होगा आपके पास काफी अच्छा मटेरियल हमने बनाया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेन्स एडवांस के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं सोल्ड इलास्ट्रेशन है उसके अंदर सारे के सारे उनके वीडियो सोल्यूशन हम आपको दे रहे होंगे तो आप कहीं फंसो ना भैया टेस्ट का शेड्यूल किस प्रकार से हो रहा होगा बहुत बढ़िया टेस्ट का यार आपको कोर्स के उसमें भी बताया गया था बाकी मैं बता देता हूँ आपके सात दिनों में से छह दिन तो क्लासेस हो रही होंगी तो जो सेकंड वीक का संडे होगा उस टाइम आपका एक टेस्ट हो रहा होगा फिर आपके बीच में ये तो नॉर्मल टेस्ट हो गए टेस्ट सीरीज भी आएंगी और हम प्लान कर रहे हैं इंटरनली कि यार जो बच्चे उन टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी वीक में कुछ एक्स्ट्रा क्लास और लगाई जाएंगी वो ऑप्शनल होंगी वो चाहे तो बच्चे ले सकते हैं वहां पे एडवांस में हम और खेच के लेके जाएंगे कि यार अगर ये कोई बच्चा चाहता है कि उसे और खेचा जाए हम कंप्लीट करा रहे हैं पर कंप्लीट के बाद भी और प्रैक्टिस उसे करानी है टाइम टेबल यार आपका आपके शेड्यूल में अगले सात दिन का अब हम डाल देंगे कोशिश करता हूं आपको अगले सात दिन का टाइम टेबल दिखना स्टार्ट हो जाए सात दिन ठीक है और हमेशा यार ऐसे नहीं रखेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो रही हो वरना हमेशा मैथ्स क्लास में सबसे स्लो स्लो बोर होके हम आ रहे होंगे ठीक है एक वीक का आपको पता चल जाएगा कि यार इस वीक में फिजिक्स की क्लास पहले हो रही है फिर अगले दिन किसकी क्लास पहले हो रही है वो शेड्यूल आपको अपने इसके अंदर मिल रहा होगा ठीक है डन अच्छा लंच ब्रेक चाहिए आप लोगों को किसी बच्चे ने कहा था भैया भूख बहुत लगती है तो लंच ब्रेक चाहिए तो सेकंड क्लास के बाद थर्टी मिनट्स का ब्रेक रख देते हैं इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन मिनट्स थर्टी मिनट्स का अगर हम ब्रेक रखें ठीक है वो तो आप अपना तीस मिनट के अंदर खाना खा के आ सकते हो जैसे स्कूल में होता है और फिर हम अपना पढ़ सकते हैं तो आपका पेट पूजा भी हो जाएगा यस चलो ठीक है तो तो ठीक है यार इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं तब तक के लिए लव यू ऑल टेक केयर दम लगा के पढ़ो डू नॉट फियर फेलियर बट बी टेरिफाइड ऑफ रिगरेट्स डिस्ट्रैक्शन साइड में रखते हैं ना। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ अगर आपने अपने फोन वगैरह जो हैं आपकी क्लास है तब तक ठीक है उसके बाद दूर रख दिए इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारी बीमारियां आपने डिलीट कर दी तो आपकी फिफ्टी परसेंट सक्सेस हो जाएगी जो पिछले दो साल में आपने गलतियां करी हैं आठ दस गलतियां कि यार मैंने रिविजन नहीं करे या मैंने नोट्स नहीं बनाए या फिर भाई मैं मोबाइल के अंदर ज्यादा घुसा रहा वो अगर मिस्टेक आप इस बार भी रिपीट करोगे तो यार फिर रिजल्ट कैसे इंप्रूव हो रहा होगा तो वो आपको त्याग देना पड़ेगा ठीक है तो ये अपने साथ प्रॉमिस करना है कि क्या मेरे अंदर इतना गुदा है कि यार मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकूं अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रखूं फोकस रहूं अपने सराउंडिंग को यार इस प्रकार से कर लो हर जगह आपको किताबें दिखाई दे घर में अगर छोटे भाई बहन के बनाते हैं तो उनको दूर रखो मम्मी पापा है वो लड रहे हैं तो अपने आप को साइड में कर लो अपना कमरा लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि उसी के अंदर बैठे हैं पढ़ रहे हो तो टेबल कुर्सी के ऊपर पढ़ो बेड के ऊपर मत पढ़ो बेड के ऊपर नींद आती है खाना सेकंड क्लास के बाद इतना मत खाना कि यार थर्ड क्लास में नींद आ जाए थोड़ा सा खाना अपना खाना कि भाई पेट पूजा अपनी हो जाए ठीक है तो चलो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर समाप्त करते हैं आज की क्लास